सो ही व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज चलो यहाँ पे शुरू करते हैं मैच को। भाई मैं बता दूँ कि ये मैच ब्रॉन्ज 3 भाई मुंबई इंडियंस की टीम के साथ होने वाला है। और बता दें कि भाई ये बंदा अब तक मेरे मतलब मैं इसके साथ लगभग 2 से 4 गेम अब तक मैं खेल चुका हूँ और जो अपलोड हो चुका है चैनल पर, ठीक है। ये बंदा पता ना बार बार क्यों मिल जाता है हमेशा, मतलब भाई बलि का बकरा बन जाता है यार, क्योंकि भाई रैंडमली मतलब कोई भी बंदा मिल सकता है। तो चलो गाइस हमने यहाँ पे DDC में मैच लगाई थी और यहाँ पे अपोनेंट पहला ओवर लेके आएगा राधाकृष्णन के साथ ऑफ स्पिनर एक बहुत ही बेहतरीन वेरिएशन के साथ। तो चलो गाइस पहली गेम तो बहुत दिनों के बाद आपको मल्टीप्लेयर की वीडियो दिखने वाली है, क्योंकि गाइस गेम ऐसा हो चुका है ना कि भाई मन ही नहीं करता यार मतलब मल्टीप्लेयर खेलने की, ठीक है। तो भाई मैं उतना कभी खेल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बहुत ही बंदों का भाई रिक्वेस्ट आ रहा था कि गेम डालो भाई, गेम प्ले डालो यार, बहुत दिन हो गया है। तो फिलहाल हमने सोचा कि चलो यार एक गेम प्ले डाल ही देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 2 रन पूरा कर लिया है हमने थोड़ी सी ओवर थ्रो की वजह से। तो भाई चलो अगली बॉल 308 खेला है हमने। देखो 308 बहुत ही सही शॉट है और इस फील्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, ये सारे शॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हमने खेला 276, यहाँ पे मिल गए 6 रन। भाई अपोनेंट को अब तो मतलब ये फील्ड चेंज करनी ही पड़ेगी, फिर से रखा वहाँ पे, हमने थोड़ा सा लेट खेला और यहाँ पे चौका मिला। अब भाई अपोनेंट हाँ मतलब एकदम हार मान के उस फील्ड को हट चेंज कर दी थी, क्योंकि भाई बार बार अभी ट्रेंडिंग में वो फील्ड चल रही है। तो भाई कुछ इस तरीके से कूट के भाई उस फील्ड को आप सही करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बच गए भैया हम, वरना अंधे माही भाई बन चुके थे वहाँ पे, एकदम बिना देखे ही आउट कर देते। चलो भाई लेकिन माही भाई की बात ही कुछ और है, थाला पर रीजन। चलो भाई फिलहाल यहाँ पे 2 रन लेने की कोशिश करेंगे हम, और 2 रन पूरा होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। चलो 24 रन बन चुके हैं यहाँ पे। शॉट यार इतना लेट, यार मेन दिक्कत है ना कि अपडेट के बाद यार फुल स्पीड में फ्लिपर को खेलना बहुत ही बंदों को दिक्कत हो रहा है यार, और 125 या फिर 500 गोल शॉट दोनों ही मतलब मसला हो रहा है, जो मतलब पूरे स्पीड में अगर स्लीपर आ रही है। तो यहाँ पे हमने खेलने की सही कोशिश करी थी, एज लग गया यहाँ पे और सिंगल ही मिला। हालांकि हमें थोड़ा सा बड़ा शॉट खेलना चाहिए था उस बॉल पे, इस बार हमने गुगली की यहाँ पे गेसिंग करी थी, गुगली ही थी, और यहाँ पे आसानी से रन मिल गया बढ़िया तरीके से। 292 गोल शॉट के साथ हमने इसको खेला भाई और चौका मिला। बॉल आया भाई पहली गेंद के साथ हम यहाँ पे, वाह क्या सुपर शॉट खेला भाई यहाँ पे, देखो एकदम सुपर शॉट है भाई। 311 इस बार धीमे गति की गेंद, इस बार हमने 632 खेला लेकिन रन मिलेंगे बस 2। तो भाई कुछ बंदों को ये दावा था ना कि 311 और ये 632 में कौन शॉट चाहिए, ये देखो यार ये यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे गेम फंसी भाई, ये पता ना क्यों ऐसे हो रहा है, और विकेट चली गई। इस बार हमने खेला 276, बिल्कुल हल्की सी गैप से मिले 4 रन बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो गाइस यहाँ पे फिर से हमने खेला भाई 311, यहाँ पे लेट हो गए, अर्ली हो गए, सॉरी गाइस थोड़ा सा हम पता ना कि इतनी फुल स्पीड में भी अर्ली हो गए। तो चलो गाइस यहाँ पे विकेट तो गिर चुका है, लेकिन अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा है। इस बार हमने खेला 276 और एक और विकेट। तो भाई कहीं ना कहीं बटलर साहब ने वापसी करा दी है अपोनेंट की जरूर, ठीक है, क्योंकि भाई रन हमने काफ़ी अच्छा मतलब किया था शुरू में, लेकिन यहाँ पे अब आए हैं विलियम्स आखिरी ओवर लेकर के, 53 ही रन बने हैं अब तक, और इस बार हमने खेला भाई 363 और मिलेंगे बस 1 रन, ठीक है, और उसी भाई रनों के सहारे हम 58 पे पहुँच चुके हैं। इस बार बढ़िया शॉट 443, लेकिन पीछे हैं फील्डर और सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे। 59 रन बन चुके हैं और अब आखिरी गेंद हम देखते हैं विलियम्स की, ठीक है, अच्छी गेंदबाजी कर दी है विलियम्स ने अब तक, लेकिन इस बार बॉडी लाइन के करीब हम भी हल्का सा पोजीशन चेंज किए और यहाँ पे मिल गए 4 रन, और इसी के साथ गाइज हमने स्कोर को बना दिया है 63 रन, ठीक है। अब गाइज अपोनेंट को ए रन मतलब ये मैच जीतने के लिए 64 रन बनाने पड़ेंगे, हमने 63 बनाई थी, ठीक है, और भाई अपोनेंट यहाँ पे अपना अपने हिसाब से भाई पेयर लेके आ चुका है, बैटिंग पेयर, ठीक है। हम फ्लिपर के साथ शुरुआत करेंगे फुल स्पीड में, और भाई कहीं ना कहीं जो है ना, अगर आप चाहते हो ना कि लेग स्पिनर के साथ पावर प्ले में शुरुआत करें तो ए वाली फील्ड को कॉपी कर लेना, ठीक है, एकदम प्रॉपर फील्ड है भाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये लेग स्पिन के लिए प्रॉपर फील्ड है, ठीक है, और कुछ दिनों के अंदर भाई मतलब नेक्स्ट वीडियो में भाई आपको एक और बहुत ही बेहतरीन एकदम
तगड़ा फील्ड देखने को मिलने वाली है, स्पेशली लेग स्पिन के लिए, ठीक है, पावर प्ले में। तो भाई पावर प्ले में क्योंकि भाई ज़्यादा रन पिटते हैं ना भाई, तो उसके लिए भाई मैंने एकदम अलग लेवल की फील्ड डिजाइन करी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में वो आपको फील्ड देखने वाली है। फिलहाल ये भी फील्ड बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और लेकिन जो कल की वीडियो में दिखेगी ना, वो अलग लेवल की फील्ड है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने उस पर मेहनत करी है और अच्छे तरीके से फील्ड को बनाया है। तो भाई जो भी बंदे चाहते हैं कि उनको फील्ड कोड मिल जाए, तो भाई देखो फील्ड कोड तो मैं यहाँ पे दे नहीं सकता हूँ। तो सिंपल सी एक ही चीज़ होती है ना भाई, कि आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना होता है, ठीक है। वहाँ पे गाइस आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाता है, फिर वहाँ पे आप आगे आसान तरीके से हमसे कोड ले सकते हैं, ठीक है। किसी तरह की भाई कोई भी इसमें आपको मतलब कुछ करना नहीं होता है, बस सिंपल इंस्टाग्राम पे आना होता है, वहाँ पे भाई आप कोड ले सकते हो आसानी से, ठीक है। इस बार फुल स्पीड में उन्होंने फ्लिपर डाली है और अपोनेंट बढ़िया तरीके से खेला है। हालांकि अभी के टाइम 125 फुल स्पीड में फ्लिपर पे बहुत ही कम कनेक्ट हो रहा है, अर्ली खेलोगे तब होगा। इस बार गोल्ड हमने यहाँ पे कैरम बॉल डाली थी, पहले ओवर से तो 10 रन आ चुके थे, लेकिन तो भाई यहाँ पे हमें भाई कोशिश करना है ना भाई कि अपोनेंट को अच्छे तरीके से भाई कम से कम रन में रोके। भाई देखो मैंने भाई सूर्य मतलब मल्टीप्लेयर की जब वो अपडेट आई थी ना भाई, मैंने सोचा मतलब गेम की अपडेट आई थी, तो मैंने सोचा यार चलो मल्टीप्लेयर में इस बार लेजेंड रैंक को पुश करते हैं, ठीक है। भाई मैंने अच्छे खासे मैच जीते भी, ठीक है, लेकिन इतने इसमें स्टग वगैरह हुए ने भाई कि मतलब फिर से मेरा जीरो का जीरो हो गया, ठीक है। तो भाई मेरे को बहुत तकलीफ हुई, उसके बाद मैंने सोचा यार ये गेम मतलब क्या होता है ना, रैंक पुश करने लायक नहीं है। फिर हमने भाई मल्टीप्लेयर खेलना ही एकदम इग्नोर कर दिया था। लगभग 8 दिनों बाद मैंने मल्टीप्लेयर खेला था, आप वीडियो चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद गैज यहाँ पे बढ़िया शॉट खेला अपोनेंट, अच्छा शॉट खेला, चौका मिलेगा। और गैज एक और बात थी ना भाई कि अभी चल रहा था मेरे मतलब टूर्नामेंट, ठीक है, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहा था भाई, जहाँ पे भाई उन्होंने बोला कि भाई एक बार आप भी खेलो यार मजा आएगा। तो भाई मैंने सोचा कि यार चलो इस मतलब अब तक भाई 12-14 टूर्नामेंट हो चुके थे भाई, किसी में भाई मैंने पार्टिसिपेट नहीं करी थी, लेकिन इस बार ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट था, भाई ने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी थी कुछ, तो भाई हमने सोचा चलो एक बार खेलते हैं भाई। तो हमारी टीम तो भाई फिलहाल टेबल टॉपर्स है अभी, लेकिन भाई ई स्पोर्ट्स में भाई हमें उतना कुछ मतलब फिर भी भाई हम खेल लेते हैं, ऐसा थोड़े कि भाई ये स्पोर्ट्स है तो खेल ही नहीं पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे 6 रन मिल गया 274 से, लेकिन देखो वेल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है भाई, वो भी हो जाएगा कुछ दिनों में। हालांकि हम खेलते ही नहीं है ना, दिक्कत ये है, खेलना शुरू करेंगे भाई तो सब सही हो जाएगा। यहाँ पे भाई इतना पीछे भाई लेंथ को रखा था, फिर भी यहाँ पे कनेक्शन बना दिया 417, भाई क्या बात है। चलो अभी भी गाइज यहाँ पे रन भाई अच्छा भाई बन सकते हैं यार, अगर हीटिंग करना शुरू करें ना बंदा तो बन सकते हैं। और ये बंदा है ना भाई अब तक बहुत ही बार आ चुका है मेरे गेम में, इसकी वीडियो लगभग भाई 4 अपलोड हो चुकी है, इसको मिला के भाई यहाँ पे काफ़ी फाइन खेला यार इस। ओए देखो भाई यहाँ पे भाई एक बात मैं बता दूँ कि भाई मेरे टीम में एक और एकदम डेडली बॉलर ऐड हो चुका है, जो कि भाई नॉर्मल बंदों के लिए सच में ये बहुत ही डेडली है, ठीक है। और भाई लेन की भाई मैं बता दूँ तो यह मुझे मिला था वेस्ट इंडीज़ पैक में, बहुत ही अच्छे तरीके से भाई इनको हमने मतलब भाई हमने सोचा कि यार एक चलो क्या करते हैं ना, कंट्री पैक ओपन करते हैं वेस्ट इंडीज़ का और एक मैच लगाते हैं भाई वहाँ पे। तो भाई वहाँ पे हमें लेन ही देखने को मिल गया भाई, उसके बाद तो भाई अलग ही लेवल था। चलो यहाँ पे फिर से भाई अपोनेंट को समझ में नहीं आ रहा भाई कि बॉल करने वाला कहाँ है, ठीक है, क्योंकि भाई मैं कभी वाइड यॉर्कर, कभी पैरों में यॉर्कर और कभी कभी सीधे शॉर्ट बॉल कर दे रहा था भाई, उस वजह से एकदम अपोनेंट पूरे तरीके से पैनिक हो चुका था। और भाई ए ओवर भाई उसका बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है, नहीं तो भाई अच्छे खासे देखो जितना नहीं ना तभी मैच के बहुत ही क्लोज जाता, अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल बॉलर होता तब। यहाँ पे देखो भाई उसको समझ ही में नहीं आ रहा था भाई कि बॉल आ कैसे रहा है, ये होता है भाई लेन की पावर भाई, इसकी एक्शन ही अलग है। हालांकि भाई अच्छे अच्छे बंदे इसकी कुटाई भी एकदम दबा के करते हैं, ठीक है, इसको खेलना कैसे है भाई मैं अगर आप लोगों को डाउट दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस तो आपको खेलने के लिए भाई एक स्पेशल तरीका होता है, ठीक है, उस हिसाब से आप खेलोगे ना भाई तो इस देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको भाई 6 पे 6 छक्के मार दोगे, लेकिन इसको अच्छे तरीके से खेल पाओगे इसका मैं गारंटी दे दूंगा, ठीक है, अगर मैंने वीडियो बना दी तब, ठीक है, आपने मतलब थोड़ी सी आपने मेहनत करी तब। फिलहाल देखो कैरम बॉल है और हमने अपोनेंट यहाँ पे 125 के लिए क्यों गया था, देखो वहाँ पे बेसिक गैप था, लेकिन भाई ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट अगर आप 125 खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है। इस बार ड्रिफ्टर डाली है हमने यहाँ पे शॉट, ओ क्या शॉट भाई, 4 रन बढ़िया तरीके से खेला यहाँ पे, 44 रन बन चुके हैं, लेकिन अब 3 गेंदे हैं इस मैच में। अब ओ हो
117 नंबर का शॉट भाई, ये चाह रहा है ना भाई कि इस गैप से हम कुछ रन निकल लें, लेकिन भाई हमने एक फील्डर लगा के रखी थी 38 सर्कल में, जो कि इसको भाई परेशान करने के लिए काफ़ी था। अब गाइस यहाँ पे दो गेंदें बची है, 44 रन बन चुके हैं और यहाँ पे शॉट, वो भाई साहब ये कैसे टाइम कर दिया यार, यहाँ पे 6 मिल गए भाई साहब, क्या बात है। अब 13 रन चाहिए एक बॉल में, 13 रन तो भाई बनने वाले नहीं है क्योंकि हम इलीगल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर से वही कोशिश, लेकिन इस बार राधाकृष्णन ने इसको हवे में ही गायब कर दिया और आसान तरीके से 13 रनों से गाइस हमने इस मैच को जीत लिया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।